जब आप फ्लाइट मोड कर देंगे तो टावर आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या यहाँ से नेट आपकी चलेगी? जो नेट रहेगा वो नहीं चलेगा। चाहे आप गूगल चलाइए, चाहे फेसबुक चलाइए, चाहे व्हाट्सएप चलाइए, चाहे जो आपकी मर्जी कर रहा है चलाने का प्रयास करेंगे, नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको एक रेडियो वेव बता रहा हूँ, इस रेडियो वेव के माध्यम से आप फ्लाइट मोड भी किए रहेंगे तो भी आपका नेट चलेगा, व्हाट्सएप चलेगा वही स्पीड में जिस स्पीड में टावर से चल रहा था। मतलब एक अजूबा नंबर देने वाला हूं जिसे हम लोग बोलेंगे रेडियो वेव। क्या ये चलेगा विदाउट टावर का? नहीं चलेगा। शायद आप लोग ट्राई किया है, चलो एक बार ट्राई हो जा। जब फ्लाइट मोड कर देंगे तो टावर आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या यहाँ से नेट आपकी चलेगी? जो नेट रहेगा वो नहीं चलेगा। चाहे आप गूगल चलाइए, चाहे फेसबुक चलाइए, चाहे व्हाट्सएप चलाइए, चाहे जो आपकी मर्जी कर रहा है चलाने का प्रयास करेंगे, नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको एक रेडियो वेव बता रहा हूँ, इस रेडियो वेव के माध्यम से आप फ्लाइट मोड भी किए रहेंगे तो भी आपका नेट चलेगा, व्हाट्सएप चलेगा वही स्पीड में जिस स्पीड में टावर से चल रहा था। देखो जैसे आज के युग में जैसे समस्या यह बढ़ गई है, आप कोई काम कर रहे हैं नेट से, उस समय किसी का फोन आ जाता है। अगर फोन आ रहा है उस समय डिस्टरबेंस होगा कि नहीं होगा? अब सोच रहे हैं कि विदाउट डिस्टरबेंस का हम नेट कैसे यूज करें। क्या समझा कि विदाउट नेटवर्क का हम चलाना चाह रहे हैं गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सही है ना? क्या ये चलेगा विदाउट टावर का? नहीं चलेगा। शायद आप लोग ट्राई किया है, चलो एक बार ट्राई हो जा। स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दे रहे हैं इस समय इनका क्या है, डाटा नेटवर्क चालू है। नेटवर्क से अगर हम चालू करना चाहेंगे तो बिल्कुल चलेगा, ये स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है, हम गूगल का यूज कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि एक बार टावर चालू करके हमने लगाया है। जैसे हमने सरकारी रिजल्ट डाल दिया और सरकारी रिजल्ट से देखिए ये खुल रहे हैं ऑप्शन। लेकिन यही सिस्टम जो चला रहे हैं, अगर फोन आ गया किसी का और काम कर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं कोई, सही है ना, परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसी परेशानी को समाधान करने के लिए मैंने यहाँ पे रेडियो वेव लाया है, और रेडियो वेव के माध्यम से ये आपकी टावर गायब हो जाएगी तो विदाउट डिस्टरबेंस का आप अच्छे से चला सकते हैं। नेट चलाइए, कुछ भी चलाइए। आइए एक दो लोग आइए, भाई आप लोग भी आएंगे, आ जाइए आ जाइए। देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम फ्लाइट मोड कर दें। यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है और हम करने वाले हैं फ्लाइट मोड। डाटा हमने किया आप इसको हटाया और डाटा कर दें आप, यानी कि फ्लाइट मोड। हम सामने हमने फ्लाइट मोड कर दिया, अब चलाएंगे तो क्या चलेगा गूगल? शायद हम सरकारी रिजल्ट डालने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं खुल रहा है। खुल रहा है या यूट्यूब खोले तो? नहीं। खुलेगा? नहीं। देखो नहीं खुल रहा, हमने ओपन किया है और नहीं खुला, सही बात। और हम प्रयास कर रहे हैं अब कुछ मैजिक यहाँ नंबर डालने का, मतलब रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी, सही है ना? रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी में कुछ सेटिंग भी बताएंगे, बहुत ही आसान सेटिंग है, कठिन है? आसानी बताते हैं हमेशा, तो आइए प्रयोग करते हैं। मैंने डायल पैड में गया, डायल पैड में खोला नंबर, और डायल पैड में आप लोग देख सकते हैं कुछ नंबर आपको क्लिक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ नंबर, उन नंबर को यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। स्टार हैश, स्टार हैश, ओके, फोर सिक्स थ्री सिक्स, जो आप यहाँ पे स्टार हैश ये यूज कर रहे हैं एक सिंबल है, और 4636 ये क्या है? नंबर है। तो जो आपने सिंबल यूज किया था उसी सिंबल को रिवर्स कर दीजिएगा, मतलब हैश स्टार हैज, जैसे ही स्टार दाबेंगे ये फ्रीक्वेंसी पूरी अपना पा जाएगा रेडियो वेव का, रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी चालू हो जाएगी, और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी चालू होते ही आपका अपने ये खेल दिखाना शुरू कर देगा।
तो आइए स्टार में क्लिक कर देता हूं, देखो तुरंत आ गया। डाटा किस सिम में है? सिम टू में है। यहां पे मैंने क्लिक किया और यहां पर मोबाइल रेडियो पावर, तो आपको चालू करना है क्या, पहला सबसे ऊपर वाली सेटिंग जो है मोबाइल रेडियो पावर, सभी लोग देखिए मैंने चालू कर दिया। जैसे ही चालू करेंगे तो पूरा आपका सिम का डाटा वोटा सब, क्या ईएमआई नंबर है आपके मोबाइल का, हर चीज यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो करना शुरू कर देगा। उस समय से कोई लेना देना नहीं, बस आपको ये सेटिंग चालू कर देना है। फिर एक मोर का ऑप्शन आएगा, मोर का ऑप्शन जैसे ही चालू करेंगे और सबसे नीचे वह सेटिंग आ रहा है इनेबल डाटा कनेक्शन, सबसे नीचे एक सेटिंग आ रहा है इनेबल डाटा, इसको हमने चालू कर दिया। अब ये डाटा देख रहे हैं आप लोग चालू हो गया, इसको लगाते ही आपकी डाटा क्या हो गया चालू, क्या वैसे चालू करते तो हो जाता नहीं, नहीं होता। फिर देखो डाटा चालू हो गया, क्या मैसेज आ गई आपकी इंस्टाग्राम पर। चलो हम चालू करते हैं सब चीजें जो चला रहे थे। यूट्यूब चालू करें, चलो मैंने यूट्यूब चालू कर दिया, देखो खुलता है। वो ये तो खुल गया, खुला या नहीं खुला, खुल गया किसके बिना, विदाउट टावर, विदाउट टावर का हमारी पूरी सिस्टम चल रही है, विदाउट टावर का ही चल रहा है ना। देखो जैसे मैंने डाल दिया राज ग्लोबल कोचिंग सेंटर, डालते ही आ गया, खुल रहा है। अभी YouTube चला के दिखा रहे हैं, अभी सब ऐसा ना हो कि सर YouTube पे आपने कुछ किया होगा, नहीं कोई भी कहीं से कोई भी मोबाइल होगा। तो मैंने एक चला दिया ऐसे, देख सकते हैं। चलो एक वीडियो भी लगाते हैं, क्या सच में चल रहा है। इसलिए जब आपके जीवन की नैया पलट जाए, हिस्सा पलट जाए, तो शुरुआत होता है। तो हमने क्या कर दिया, चालू कर दिया वीडियो और उसे लाइक नहीं था, लाइक कर दिया भाई। देखो मेरे भाई साहब, सही है। चलो हमने समझने के लिए ना दिल का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करोगे ना कुछ समझ आएगा, हो जाएगा। वीडियो चल रहा है, कोई दूसरा लगा दे, इसलिए कुछ भी लगाए दिल लगा। चैप्टर का नाम है बच्चा पार्टी लोग घातांक, और चल रहा है घातांक से डर तो नहीं लगता, नहीं चल रहा है लेकिन डर लगता है। चलो हमने अभी तो आपको YouTube दिखाया, ऐसा कुछ भी चालू करेंगे सब चीज चलने वाला है। गूगल ओपन कर दिया मैंने, गूगल में जैसे हमने डाल दिया सरकारी रिजल्ट, ठीक है, क्या खुल रहा है, खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, विदाउट टावर, विदाउट टावर। और डिस्टर्बेंस हो किसी का फोन आएगा क्या, हमारी काम होगी या नहीं होगी, होगी अच्छे से, हम कुछ भी करना चाहेंगे सब चलेगा। देख लो आपके सामने सब चीज ओपन हो रही है, क्लियर हो गया सर, नहीं समझ में आ रहा है, चल रहा है। तो ये मैजिक बहुत ही खतरनाक था, इसका यूज करिए अपने लाइफ में, रेडियो वेव। तो दो सेटिंग मैंने बताया, इन दो सेटिंग के माध्यम से आप अपना, अब जैसे ही देखिए हम डाटा क्लोज कर देते हैं, जैसे ही देखिए ये हट जाएगा दोबारा, इसको कहेंगे बंद कैसे करें, तो ये बंद ऑटोमेटिक हो जाएगा जब ऐसा प्रोसेस करोगे तब। फ्लाइट मोड को हटाना और डाटा क्लोज कर देना, वो हट गया, वो रेडियो वेव क्या हो गया, हट गया। जैसे ही आपके मोबाइल का टावर आएगा आपका ये रेडियो वेव हट जाएगा, आपके टावर का रेडियो वेव चालू हो जाएगा। अब फोन आएगा, क्या होगा, अब फोन आएगा आपका। अब यहां से अगर आप सिम डाटा चालू करोगे तो परेशानी जग सकती है, देखो यहां से चलाओगे तो आपका चालू रहेगा, उसे नेटवर्क तो रहेगा ना, इसकी वजह से चल रहा है। तो हमने फ्लाइट मोड पर आपको बताया कि ऐसा कैसे कब चलेगा, सिस्टम समझ में आया, आगे कन्फर्म। चलो इसका यूज करिएगा अपने लाइफ में।